दोनों हमारे ऊपर है, अच्छा भी और बुरा भी। ये हमारे ऊपर है कि हम किसको चुने और किसका साथ दे। अपनी बेटी को समझाते हुए स्नेहा को आज अपनी सासुमा सरिता जी की बहुत याद आ रही थी। बेटी से बात करते करते स्नेहा सोच रही थी, सासुमा ने भी तो एक दिन उससे यही कहा था, आज क्या होता यदि उसने उस दिन सासुमा की ये बात नहीं मानी होती और देवरानी जी से अपने रिश्ते सुधारे नहीं होते तो परिवार टूट जाता और इसका असर बिजनेस पर भी पड़ता, और आज बच्चों में आपस में जो प्यार और स्नेह है क्या वह रहता। देवरानी सुगंधा को हर काम एकदम सफाई के साथ सलीके से करने की आदत थी। काम चलाओ चलता हुआ काम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। सुगंधा जब शादी होकर इस घर में आई थी तब उसने महसूस किया था कि जेठानी जी उसके हर काम में मीन मेख निकालती है। जेठानी जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, वह इसमें कोई बुराई नहीं समझती थी। उनको लगता था कि वे पद में सुगंधा से बड़ी है, इसलिए सुगंधा के काम में मीन मेख निकालना उसकी आदत बन चुकी थी। सुगंधा को लगता था कि जेठानी जी मुझसे जलती है, मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए मेरे हर काम में मीन मेख निकालती रहती है। जेठानी स्नेहा अक्सर थी भी ऐसी, हर बात में सुगंधा से तुलना करना उसकी आदत हो गई थी। सुगंधा के पास सोने का एक पतला चेन था जिसके चलते जेठानी स्नेहा को उनसे बहुत जलन होती थी। अगर दोनों जेठानी देवरानी में देखा जाए तो ज्यादा गहने जेठानी के पास ही थे, लेकिन जेठानी के पास सिर्फ चेन नहीं था, बाकी गहने देवरानी से भी ज्यादा थे। फिर भी एक बार स्नेहा ने अपने पति से बात करके चेन ले ही लिया। ऐसी कई चीजें थी जो देवरानी से जलते हुए उसने ली थी और सुगंधा के कई सारे कामों में कमियां निकालती ही रहती थी, लेकिन सुगंधा ने कुछ ना बोलना ही उचित समझा। सुगंधा के मन में आने लगा था कि सहने की भी एक सीमा होती है, लेकिन घर में हंगामा ना हो इसलिए चुप रहती। लेकिन अब स्नेहा ने घर की अन्य रिश्तेदार महिलाओं से अपनी देवरानी की बुराइयां करनी शुरू कर दी थी। मेरी देवरानी को तो हर 7 दिन में 2 बार अच्छा अच्छा खाना चाहिए होता है, घूमने फिरने का भी बहुत शौक है, और ऊपर से घर का एक काम भी ढंग से नहीं करती और सब काम मुझे ही करना पड़ता है। सुगंधा के साथ जेठानी जी के विचार भी मेल नहीं खाते थे। हालांकि देवरानी सुगंधा के मन में स्नेहा के लिए कोई गलत भावना नहीं थी, स्नेहा के लिए उसकी देवरानी सुगंधा ने कभी कुछ बुरा नहीं सोचा था और ना ही उसने कभी स्नेहा की किसी तीसरे से कोई बुराई की थी। महिलाओं के पेट में कोई बात पच जाए तो फिर बात ही क्या। स्नेहा जो गलत गलत बातें देवरानी के लिए कहती थी, घूम फिर कर बढ़ी चढ़ी अवस्था में अब वह देवरानी और सासुमा के कान में भी सुनाई पड़ने लगी थी। सुगंधा ने स्नेहा से इस संबंध में बात करके गलत फहमी को दूर करने की कोशिश भी की, किंतु स्नेहा उनसे बात करने को भी तैयार नहीं हुई। एक दिन स्नेहा ने अपनी जिस रिश्तेदार से अपनी देवरानी सुगंधा की खूब बुराइयां की थी उसने आकर सुगंधा की सासुमा को सब कुछ बता दिया था। सासुमा ने उस दिन प्यार से स्नेहा की क्लास ली थी और उसे अपनी आदतों पर लगाम कसने को कहा था। तब स्नेहा ने अपनी सासुमा को कहा था, मम्मी जी आप समझने की कोशिश करो, मुझे सुगंधा की कुछ बातें समझ में नहीं आती, मुझे घर में भी सुगंधा से ज्यादा काम करना पड़ता है, मुझे अब इस घर से अलग होना है, मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती हूं, आपने उन्हें कभी नहीं समझाया तो आप मुझे क्यों समझा रही है। सासुमा ने बगैर क्रोधित हुए धीरज के साथ स्नेहा को समझाया था, चलो मान लिया तुम्हारी देवरानी सुगंधा का काम करने का तरीका तुमसे अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे हर काम को लेकर सुनाते ही रहो, पर फिर भी तुम कह रही हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन उनमें अच्छी आदतें भी तो है, मैं हर रोज तुम दोनों को काम करते हुए देखती हूँ, वो हर काम पूरे प्यार से करती है और हर काम तुमसे ज्यादा साफ सफाई से और अच्छे से करती है, तो इसका बदला तुमने लोगों से उनकी बुराइयां करके लेना शुरू कर दिया, तुमने उनकी अच्छी आदतों को आत्मसात क्यों नहीं किया, तुमने कभी देखा या सुना है कि सुगंधा ने तुम्हारी कहीं बुराई की या तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचा या बोला है। सुगंधा जब से इस घर में आई है वो सबको प्यार मान और सम्मान देती है,
फिर तुम क्यों उसके लोगों के सामने बुराई कर रही हो? ये सब चीजों से तुम अपना ही जीवन खराब कर रही हो। तुम्हें याद है शुरू शुरू में जब तुम नई इस घर में आई थी, तब तुम में ना रहने का, ना पहनने का और ना ही किसी कार्य को करने का कोई सलीका था, और तुम्हारी बुआ सास तुम्हारे लिए कितनी बातें बनाती थी। लेकिन मैं तुम्हारा पक्ष लेते हुए हर वक्त तुम्हारा बचाव करती थी, हमेशा एक ही बात कहती थी कि बहू लाखों में एक है, स्नेहा मेरी बहू नहीं, वो मेरी बेटी है। काम नहीं आता है तो क्या हुआ, थोड़े दिन में सीख जाएगी। मेरी बहू के बारे में बुराई करना बंद करो। स्नेहा, दोनों हमारे अंदर है, अच्छा भी और बुरा भी। ये हमारे ऊपर है कि हम किसको चुने और किसका साथ दे। छोटी छोटी बातें हर घर में होती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम परिवार रूपी एक लकड़ी के दो टुकड़े कर दे। जो आनंद रिश्तों में अपनेपन और मिठास में है, वह रिश्तों में तनातनी और एक दूसरे के प्रति जहर उगलने में नहीं है। इस बात को समझो कि जब घर के दो लड़ते हैं तो बाहर के लोग तमाशा देखते हैं और मजे लेते हैं, वो अलग। घर में सुकून के लिए बहस नहीं किया करते हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करो। अगर तुम दोनों के मन में किसी के प्रति कोई बात है तो उसे अपने मन में ही मत रहने दो। जो भी एक दूसरे के प्रति गलत फहमियां है उन्हें सलीके से कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। आपस में संवाद बनाए रखोगे तो इससे गलत फहमियां दूर होगी, और ऐसा करते रहने से भविष्य में भी गलत फहमियां नहीं होगी। उस दिन के बाद से उसने अपनी देवरानी से अपने मन मुटाव दूर कर लिए थे और उनसे बहुत कुछ सीखा भी था। आज अगर मेरी देवरानी का सहारा नहीं होता तो पति के रोड एक्सीडेंट में निधन के बाद वह कहां जाती, कैसे अपने बेटे की शादी करती। कल वह गिर गई थी और एक आवाज लगाई तो देवरानी जी के दोनों बेटे दौड़े चले आए। दोनों उसका अपनी माँ से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं। हमारी सासू माँ सही कहती थी, रिश्तों में मुकाबला नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण, त्याग, निष्ठा और ईमानदारी होनी चाहिए। माँ, कहाँ खो गई आप? बेटी की आवाज सुनकर स्नेहा अतीत से बाहर आई। वह अपनी बेटी को भी यही शिक्षा दे रही थी कि दोनों हमारे अंदर है, अच्छा भी और बुरा भी। ये हमारे ऊपर है कि हम किसको चुने और किसका साथ दें। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।